आणि आता थेट जाणार आहोत गोरखपूरला. पंतप्रधान नरेंद्र मोदी बोलायला उभे आहेत. ये है मोदी ऐसा पाप के लिए कभी सोचता नहीं. आप सोचिए हमारी सरकार प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना पर ही करीब करीब 1,00,000 करोड़ रुपए खर्च कर रही है. इतनी बड़ी राशि हम लगा रहे हैं ताकि देश में जो सिंचाई परियोजनाएं 30-30, 40-40 साल से अधूरी थी, लटकी हुई थी, उन्हें पूरा किया जा सके. हमने देश भर की 99 ऐसी परियोजनाएं चुनी थी जिसमें से 70 से ज्यादा अब पूरी होने की स्थिति में आ चुकी है. इन परियोजनाओं की वजह से किसानों को लाखों हेक्टेयर जमीन पर सिंचाई की सुविधा मिल रही है. और ये वो काम है जो किसानों की आने वाली कई पीढ़ियों तक को लाभ देने वाला है. साथियों, इन सिंचाई परियोजनाओं को पूरा करने के लिए कहीं कोई प्रदर्शन नहीं हुआ था, कोई दबाव नहीं था. सिंचाई परियोजनाओं को पूरा न करके कर्ज माफी करना बहुत आसान रास्ता था, लेकिन सच्चाई ये है कि कर्ज माफी से सिर्फ ऊपरी स्तर के कुछ किसानों का फायदा होता, कांग्रेस के चेले चपाटों का लाभ होता, मेरे गरीब किसान का लाभ नहीं होता. वो भी ऐसे किसान जिन्होंने किसी न किसी बैंक से लोन लिया, उनको लाभ मिलने लगा. आखिर उन करोड़ों किसान के बारे में कौन सोचता जो बैंक के बजाय किसी दूसरे से कर्ज लेते हैं. और हमारे देश में इनकी संख्या लाखों में नहीं बल्कि करोड़ों में है. मेरा किसान भाई और बहनों, ये नया भारत है. इसमें केंद्र सरकार जितना पैसा किसी गरीब के लिए, किसी किसान के लिए भेजती है, वो पूरा पैसा सीधा उसके खाते में पहुंचता है. अब वो दिन चले गए जब केंद्र सरकार से 1 रुपया निकलता था और सिर्फ 85 पैसे मिलते थे. बीच में कोई पंजाब 85 पैसे मार लेता था और सिर्फ 15 पैसा पहुंचता था. 15 पैसा. पीएम किसान सम्मान निधि को भी फुल प्रूफ बनाया गया है ताकि आप किसान भाइयों बहनों का अधिकार कोई छीन न सके. इस योजना में किसी भी प्रकार के बिचौलिए के लिए कोई स्थान नहीं है. अगर आपके पास आधार नंबर नहीं है तो आप आवेदन कर सकते हैं. उसका पंजीकरण नंबर आपके लिए काफी होगा. वैसे तो जनधन बैंक खाते सभी के ही खुल गए हैं, लेकिन हां, अगर अभी भी किसी का बैंक में खाता नहीं है तो उनको अकाउंट खुलवाना होगा, क्योंकि पैसे सीधे बैंक खाते में ही जाएंगे. मैं किसी बिचौलिए के हाथ में एक नया पैसा जाने नहीं दूंगा. साथियों,
तमाम लाभार्थियों की सूची, ये भी जरा आप बराबर गांव को समझाना भैया। गोरखपुर इथे पंतप्रधान नरेंद्र मोदी संवाद साधताहेत याच शेतकऱ्यांना ज्यांच्याविषयी ते बोलतायत। या शेतकऱ्यांना वार्षिक 6000 रुपये सरकारकडून थेट खात्यात जमा करण्याची प्रधानमंत्री किसान सन्मान निधी योजनेचा शुभारंभ याच कार्यक्रमामध्ये केंद्रीय रस्ते वाहतूक मंत्री नितीन गडकरी यांच्या उपस्थितीत नागपुरामध्ये झाला। भारतीय कृषी अनुसंधान संस्थेमध्ये आयोजित या कार्यक्रमात अनेक शेतकरीही उपस्थित होते। आपल्या देशातील इतिहासात पहिल्यांदाच अशी शेतकऱ्यांच्या सन्मानासाठी योजना सरकारने आणली आहे आणि त्यासाठी वर्षाला 75,000 कोटी रुपये खर्च केले जाणार असल्याचं नितीन गडकरी यावेळी म्हणाले। 75,000 करोड़ रुपये निश्चित रूप से जमीन समय में किसानों के लिए इसका बहुत अच्छा और विशेष उपयोग है। हमारे देश में सरकार को मदद करी है, पर सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि किसान अपने पैरों पर खड़े हैं।